सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी। इससे पहले 11 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नई याचिका पर सुनवाई हुई। यह अर्जी 39 स्टूडेंट्स और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI ने लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने एग्जाम में 620 से ज्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करने और फॉरेंसिक जांच करने की मांग की है। वहीं पेपर लीक के आरोप की CBI की भी जांच मांग की है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने सुप्रीम कोर्ट से देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में दायर हुई सभी याचिकाओं को क्लब कर एक साथ शीर्ष न्यायालय में सुनवाई की मांग की है। NTA ने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए 4 याचिकाएं दायर की हैं। इस मामले में कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SVN भट्टी इन मामलों की सुनवाई कर रही है।